नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के जो काउंसलिंग चल रही है, एक गजब तरह का ड्रामा दिखाई दे रहा है। और ये ड्रामा मैं अपने मुंह से नहीं, ये सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी एकाएक यहाँ पे सिवान के भीएम मिडिल स्कूल के प्रांगण में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे भाकपा माले के जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा, उनको अपनी आपबीती सुनाने के लिए कि किस तरह से काउंसलिंग में बिल्कुल मनमानी तरीके से वहाँ जो अधिकारी हैं, जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो मनमानी कर रहे हैं। बताइए क्या हुआ है, मामला क्या है? सुबह में हम लोग 10 बजे काउंसलिंग स्थल पर गए और वहाँ पर पहले तो क्या किया, वहाँ पर माइक बंद कर दिया गया और मौखिक बोलने जाने लगा। और उसमें कैसे भी हम लोग कोशिश करके अंदर तो चले गए। माइक मतलब कि जिसका काउंसलिंग करना था, नाम पुकारने उसको बंद कर दिया गया। ये चल रहा है ड्रामा यहाँ पे, ये चल रहा है ड्रामा कि जब ध्वनि विस्तारक यंत्र है जो लाउड स्पीकर लगाया गया है कि उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है और वहाँ पे काउंसलिंग के लिए सैकड़ों लोग, हजारों लोग खड़े हैं। वहाँ पे अगर आप बंद कर दीजिएगा लाउड स्पीकर को तो फिर आवाज़ बंद हो जाती है। और ये सारा ड्रामा वहाँ के अधिकारी, और बताइए क्या क्या चल रहा है। और उसके बाद हम लोग कैसे भी तो अंदर चले गए नाम सुन करके, और फिर उसके बाद हम लोग का मोबाइल बंद करवा दिया गया, कहीं से तुम लोग बात नहीं कर सकता है। फिर एक कोई अधिकारी था, ठीक है तो कल तुम लोग BRC पे आओ, पहले से ये लोग बोल रहे थे। तो हम लोग इंतजार में थे कि अब शाम हो रहा है साहब, अब हम लोग को चयन पत्र मिलेगा, अब मिलेगा। जब शाम ढलने लगा तो लोग सभी लोग फाइल फोल्डर लेके अपने गाड़ी में बैठ गए। फिर हम लोग JDS इस्लामिया हाई स्कूल के कैंपस में गए तो वहाँ पर BDO साहब को गुहार लगाए, लेडीज़ महिला BDO साहब थी, मैं उसको नाम नहीं जानता हूँ, उसको गुहार लगाए। तो फिर वो कैसे चार खल के चार सिग्नेचर करके हमको जो भी अभ्यर्थी सबका सबको में एक अलग अलग सिग्नेचर करके दिया गया है। इसको हम लोग क्या माने, वहाँ बहुत मतलब कि। और सब शाम को जब बोला गया, हम लोग बोले रिसीविंग दीजिए, तो लोग बोला जा रहा है। आपको क्या डर है? आपको डर ये है कि हमको बुलाया जा रहा है कि आप BRC पाइए, BRC बुला कर हमको अब जो भी करेगा हमको मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं उसका अपोज किया तो बोल रहा मैं तुमको देख लूँगा। तो बताइए, हम देखने के लिए आए कि हम बहाली के लिए आए? तो आपको बहाली के लिए वहीं पे आपको देना था आपको काउंसलिंग का, लेकिन अब वहाँ पे आखिर नहीं देने के पीछे क्या मकसद है? अब वहाँ के नहीं पीछे उनका मैं मानसिकता नहीं बता सकता हूँ। वो लोग BRC पे बुला रहे हैं कल हम सुबह में, अब पता नहीं हमको नियोजन पत्र चयन पत्र देंगे या हमको मार देंगे या उधर रख देंगे, मैं नहीं जानता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार मांझी। कहाँ के रहने वाले? मैं बहादुरपुर बाजार प्रखंड बढ़जा। आपका काउंसलिंग सेंटर कहाँ था? मेरा काउंसलिंग सेंटर JDA इस्लामिया हाई स्कूल में था, और मेरा वरीयता क्रमांक 51 नंबर पे था, और मेरा जो वरीयता जो प्रतिशत है 65.267 था। इसमें सभी लोग प्रत्याशी हैं? हाँ। जी, 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 जी। क्या आपको क्या लग रहा है? सर, मेरे साथ ये दिक्कत वहाँ पे घटना हुई, मेरा मेधा अंक 59 है। जब मेरा वहाँ पे नाम पुकारा गया तो अंदर चले गए, और कुछ देर बाद हमको अंदर से बाहर भेजने लगे। वहाँ के जो प्रमुख साहब थे, उनके पति जो थे प्रमुख साहब के, वो बोले कि आपके पहले कैंडिडेट का नाम पुकारा गया था, वो टॉयलेट गया था, वो कैंडिडेट आ गया है और आप बाहर जाइए। ना, प्रमुख जो थी शायद महिला, आपने कहा कि उनके पति बैठे हुए हैं, तो प्रमुख थी या उनके पति उसको देख रहे हैं? नहीं, महिला जो थी प्रमुख थी, वो अंदर बैठी हुई थी, और जो भी ऐसी होता है प्रक्रिया होती है, उनके पति देख रहे थे। और पति महोदय हमको बुलाकर बोले कि आपका नहीं होगा, आप जाली हैं। बोले कैसे जाली हैं? तो आपके पहले जो यहाँ लड़का गया था टॉयलेट के लिए, टॉयलेट के लिए आ गया है, अब आप बाहर जाइए, नहीं तो पैसा दीजिए उसमें। कितना पैसे का डिमांड किया? डिमांड किए थे प्रमुख साहब हमसे 3 लाख। जी, 3 लाख का डिमांड किए थे हमसे। कौन ये प्रमुख, कहाँ के प्रमुख? ये आंध्र के प्रमुख साहब ने मांगा था या उनके पति महोदय? पति महोदय मांगे थे। कहाँ के हैं ये? अभी नाम नहीं जानते हैं सर हम। आंध्र ब्लॉक के जो ये सेंटर कहाँ का है? सेंटर ये JDA इस्लामी हाई स्कूल का है। जी, नाम बताओ? मेरा नाम सुनील कुमार साहब पड़ेगा, मेरा घर दरौंदा पड़ेगा। ये आप बीती है, और जिस तरीके से एक विडंबना ये है कि भले ही महिलाओं को आरक्षण के नाम पे सरकार ने आरक्षण दे दिया, वो चुन करके उस सदन तक पहुंच गई हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि महिलाएं आज भी, बहुत सारी महिलाएं, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत सारी महिलाओं जो वहाँ उनके पति महोदय सारी व्यवस्था को दिखाते हैं। अभी एक प्रमाण यहाँ पे भी मिला, हमारे साथ दो महिलाएं भी हैं यहाँ पे। बताइए क्या मामला है आपका, बोलिए सर। आप बताइए
सर वही रिसीविंग हम लोग को नहीं दिया जा रहा था, बहुत कहने के बाद से ये बस नीचे से फॉर्म ये करके और ऐसे देके और हम लोग को हटा दिया गया और तो, मैम चली तो क्या ये पता चलता है कि आपका काउंसलिंग हुआ, आप चयनित हुए या नहीं हुए? इससे कुछ भी पता नहीं चलता है कि मतलब मेरा रैंक क्या है या हम कहाँ कराए, कुछ भी नहीं पता चल रहा है इससे, बस ऐसे ही दे तो दिया। आपको डर किस बात का है? यही कि पता नहीं क्या वो लोग करेंगे, चयन मेरा होगा कि नहीं होगा इस बात। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कुछ लेनदेन का मामला चल रहा है जैसे लोग बता रहे हैं? अब उनकी मानसिक स्थिति तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है एक डर बना हुआ है। जी डर ये बना हुआ है जी सर, मतलब हाँ मतलब मेरा सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनके पास जमा है, अब क्या प्रूफ है कि वो हम वहाँ जमा किया, हम ही जाके अगर बोलते हैं कि हम यहाँ काउंसलिंग कराए तो वो हमसे तो बोलेंगे ना कि आप प्रूफ दीजिए, तो मेरे पास तो कुछ होगा नहीं। किस सेंटर पे आप थी? वही जेडी इस्लामिया हाई स्कूल आंदर प्रखंड में थे। आप अपना नाम बताइए। नम्रता कुमारी। कहाँ की रहने वाली? सिवान ही, सिवान आनंद नगर जी। ये समस्या है अभी। हाँ बोलिए, क्या बोलना? सर हम लोग का डर है काउंसलिंग के उपरांत हम लोग का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा हो गया है, नौकरी मिले या ना मिले वो कोई अलग की बात है, लेकिन हमारा जो पूरा भविष्य का कमाई है हमारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा हो गया है। अगर कल हमें रिसीविंग लेकर बोले कि हम यहाँ पर आप यहाँ काउंसलिंग कराए थे तो उसमें कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसके लिए हमको ओरिजिनल सर्टिफिकेट पर मतलब हमको शक लग रहा है, वो लोग हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी नहीं लौटा सकते हमारा वो। चलिए, ये आशंका है जो अभ्यर्थी हैं उनकी जीवन की पूंजी है वो सर्टिफिकेट, और बेचारे कह रहे हैं कि आशंका है कि क्या पता हमारे जो पेपर हैं वो इधर उधर हो जाए। और ये सभी लोग भाकपा माले के जो विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा उनके पास पहुंचे हुए। विधायक जी आपने सुना कि किस तरीके से ये सारे लोग आपके पास इंसाफ के लिए आए हुए हैं, अब आगे क्या सोचा? देखिए, हम तो पहले ही इसी सवाल को लेकर के यहाँ पहुँचे हुए थे, कई जगह से हमारे पास शिकायतें आई थी और उस शिकायतों के आधार पर एक महिला अभ्यर्थी ने हमारे पास एक आवेदन का कॉपी भी भेजा था जो हमारे कहने पर वो डीएम को भी दी थी। तो ये तो बात साफ है कि बड़े पैमाने पर धांधली किया जा रहा है प्रमुख और वीडियो के मिलीभगत, और भी अधिकारी उसमें संलिप्त हैं, क्योंकि यहाँ इस पूरे मामले का मॉनिटरिंग तो डीएम को करना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ी हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। अब इन लोगों की शिकायतें यदि आ गई है तो मैं तो साफ समझता हूँ कि डीएम से यह मांग करना चाहता हूँ कि डीएम साहब इन तमाम शिकायतों को देखते हुए तत्काल इस काउंसलिंग का ठीक से जाँच करवाएँ, अगर संभव हो सके, संभव क्या मेरा तो ये भी है कि उसको रोक करके पुनः जो है मेरिट के आधार पर से री काउंसलिंग होना चाहिए ताकि किसी भी बच्चों के। भाकपा माले जो है सर वो जन आंदोलन के लिए जाना जाता है, और जिस तरीके से ये इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, क्या आने वाले समय में इन लोगों के लिए आप लोग आंदोलन या सड़क पे उतरे? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आंदोलन का मुद्दा बन ही रहा है। हम लोग तो पहले से भी सरकार अभी रिजल्ट जारी किया मेरिट वाला, तो उसमें भी साफ साफ हम लोगों ने कहा कि बड़ा घोटाला किया गया जो पिछले दिनों आया था, तो वो तो लगातार हम लोग उसको लेकर के आंदोलन करते ही रहे हैं। विधानसभा में इस मामले को उठाया जाएगा और जहां ज़रूरत पड़ेगी सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि तमाम अभ्यर्थियों को न्याय मिले, बच्चों को न्याय।